सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप अपने वीडियोस के अंदर एसईओ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने एसईओ करके अपने वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो आपने जो वीडियोस है वो यूट्यूब सर्च से व्यूज आ सकते हैं। तो आपको हमेशा एसईओ करके अपने यूट्यूब वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए। तो किस तरीके से कर सकते हो, आज की इस वीडियो में पार्ट पार्ट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हो। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आता है, जब हम यूट्यूब पे अपने वीडियोस को अपलोड करते जाते हैं, सबसे पहला जो चीज़ आता है अपने वीडियोस का टाइटल। तो टाइटल किस तरीके से फाइंड करना है, सबसे पहले ये आप लोग जान लो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अपने मन से सोच के कुछ भी टाइटल अगर अपने थंबनेल पे, सॉरी अपने वीडियोस के अगर टाइटल सेक्शन में ऐड कर दे रहे हो, तो आपके वीडियोस पे कभी भी यूट्यूब साइट से व्यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिंपली देखिए यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इस जगह पे यूट्यूब का जो इग्नोर टू मूड होता है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो उसके लिए आपको चैनल को लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है टर्न ऑन इग्नोर टू मूड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे सर्च ऑप्शन पे सर्च करना है हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब। तो इस तरीके से सर्च करने के बाद जो सबसे पहला जो कीवर्ड आपके सामने ओपन होता है उसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वीडियोस के टाइटल सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है। क्यों दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सर्च होते हैं, इसी के लिए यूट्यूब इसे बहुत सबसे ऊपर इसे रिकमेंड कर रहा है। तो इसे आपने वीडियोज़ के टाइटल सेक्शन में ऐड करना है। इसके बाद इसी टॉपिक को आपको फिर से हिंदी में सर्च कर लेना है कि यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे बढ़ाए। सेम तरीके से जो भी टाइटल सबसे ऊपर आएगा उसे आपको सेम तरीके से टाइटल पे आपको ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन टाइटल में आ चुका है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी कीवर्ड को हमने टाइटल में ऐड किया है वो इंग्लिश और हिंदी, इसे हमको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे पेस्ट कर देना होता है। तो पेस्ट करने के बाद उस थोड़ा सा नीचे आ जाना है, बाद आपको लिखना है योर क्वेरीज। दोस्तों, योर क्वेरीज लिखने से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ये कहता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फास्ट 3 या 4 लाइन होता है उसे यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे रीड करता है और आपको समझने की कोशिश करता है कि आपने वीडियोस किसके बारे में है। तो आपको ये जो 3 से 4 लाइन होता है इसमें आपने वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। तो योर क्वेरीज क्या है कि आपको फिर से चले जाना यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद आपने जिस कीवर्ड को टाइटल किए थे, टाइटल सर्च किए थे, सर्च करने के बाद जो भी कीवर्ड्स आपके सजेशन में आए थे, इन सारी कीवर्ड्स को आपको कॉपी कर लेना है। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों की कीवर्ड्स को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जो योर कीवर्ड्स का सेक्शन है इस जगह पे इसे पेस्ट कर देना है। तो इसे जब आप पेस्ट करोगे तो आपका जो एसईओ है वो ओवरऑल उसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट टाइटल, उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट डिस्क्रिप्शन वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं हमारे टैग सेक्शन। तो देखिए, टैग सेक्शन में आप किस तरीके से टैग्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भी कीवर्ड्स आपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, जो सजेस्ट किया है यूट्यूब ने, उन सारी की सारी टैग्स को उसको अपने टैग सेक्शन में आपको पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको पेस्ट करने के बाद हमारा जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स तीनों कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको मेन चीज़ जो ध्यान में रखना चाहिए, आपका थंबनेल क्लिकी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपने थंबनेल को HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना होता है। जब तक आपने थंबनेल को HD में ऐड नहीं करोगे, आप लोग अगर ट्यूब बॉडी या फिर वीडियो कोई जो भी एप्लीकेशन आप एक्सटेंशन यूज़ करते हो उसमें अगर आप लोग देखोगे उसका एसईओ कोर्स क्रॉस दिखाई देगा, यानी कि आपने थंबनेल जो HD है वो हाई रेजोल्यूशन वाला थंबनेल ऐड नहीं किया है। तो आपको हमेशा अपने वीडियोज़ के अंदर हाई रेजोल्यूशन वाला जो थंबनेल है उसे आपको ऐड करना चाहिए। तो आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल चारों को चारों अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद अपना जो वीडियोज़ का ओवरऑल एसईओ है वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको थंबनेल HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना नहीं आता है तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आपको HD क्वालिटी में थंबनेल को क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों, बस इतना से ही काम करने के बाद आपको अपने वीडियोज़ को यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद आप लोग देखो कि आपने वीडियो वो यूट्यूब साथ से व्यूज आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना सा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें।